नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। तो बिग बॉस मराठी सीजन 2 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कंटेंट की कमी दिखाई देती है एपिसोड्स के अंदर। कल का एपिसोड कैसा था और कैसा लगा मुझे, ये तो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ और साथ में ये भी डिस्कस करती हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज क्या है कल के एपिसोड की। वही तो टास्क था ना, तो शेयर करते हैं, आपसे बात करते हैं। पहले कीजिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन भी दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन। बिग बॉस का शो एक ऐसा शो है जिसमें हर एक टास्क जब दिया जाता है घर वालों को तो उसका मतलब ये होता है कि उस टास्क के जरिए आपने ऑडियंस को बहुत ज्यादा एंटरटेन करना है, कुछ भी करके एंटरटेन करना है। हो सकता है यही चीजें पहले जब घर के अंदर घुसने से पहले, अंदर जाने से पहले घर वालों को यानी कि कंटेस्टेंट्स को समझाई जाती हैं कि आपका जो भी एक्शन रिएक्शन व्हाट एवर यू डू वो सब जो है ऑडियंस को एंटरटेन करना चाहिए। मगर दोस्तों कल का ब्रेकिंग न्यूज टास्क जो बेबी न्यूज टास्क था वो टोटल फ्लॉप टास्क था। मुझे बहुत ही मतलब अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए कि सीजन के इस टाइम पे जब इस टाइम पे टीआरपी शूट अप होनी चाहिए, ऐसे ऐसे एपिसोड्स आने चाहिए, ऐसे ऐसे टास्क परफॉर्मर जो घर के अंदर होने चाहिए वो नहीं है। ये सब के सब ठंडे कंटेस्टेंट हैं जिनको एक तो पहली बार में टास्क समझ में ही नहीं आता है, पूरे एपिसोड के 20-25 मिनट तो इनको टास्क समझाने में लग जाते हैं, चाहे वो टास्क कितना भी आसान हो मगर पहली अटेम्प्ट में इनको समझ में नहीं आता है। बात करते हैं ब्रेकिंग न्यूज टास्क की, तो आप लोगों ने जरूर देखे होंगे पहले सीजन में भी ये कैसे कैसे खेले गए थे, बिग बॉस मराठी सीजन 1 में कैसे खेला गया था, BB12 जो रिसेंटली हिंदी सीजन खत्म हुआ है उसमें कैसे खेला गया था। उसमें लोगों ने पर्सनल चीजें भी डिस्कस की थी ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए, अपनी वो चीजें कही थी जो वो पब्लिक में नहीं कह सके, जैसे कि श्री शांत ने अपनी बात बताई थी, ऐसी बात जो पहले कभी उन्होंने किसी भी न्यूज में नहीं बताई वो थी न्यूज। यहाँ पे ये जो घर के लोग हैं ये ना तो कुछ क्रिएटिविटी से न्यूज क्रिएट कर पाए ना ही कुछ ऐसी चीजें डिस्कस कर सके कि ये टास्क है और हमें ऐसी चीजें डिस्कस करके ब्रेकिंग न्यूज बनानी है, और ना ही कुछ ऐसा कर पाए जिससे कि ऑडियंस सोए नहीं बल्कि एंटरटेन हो। मैं खुद अपनी बात करूं तो मुझे तो बहुत ही लगा कि ये हो क्या रहा है, ये क्या कर रहे हैं, बच्चों का खेल बना रखा था घर के अंदर पूरा का पूरा। तो अगर मैं बात करूं कि क्या क्या ब्रेकिंग न्यूज मिली हमें घर के अंदर, तो ब्रेकिंग न्यूज में जो थोड़ी बहुत ठीक ठाक न्यूज थी वो थी शिवानी वाली जो न्यूज थी, 3-4 न्यूज थी उसमें थोड़ा सा कंटेंट था मगर मुझे तो वो भी इतना ब्रेकिंग नहीं लगा। उसमें किसी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि अपना आरोह और शिवानी ने शादी कर ली, ये क्या ब्रेकिंग न्यूज होगी, मगर फिर भी बाकी के कंपेरेटिवली बेटर था। फिर एक साल बाद लड़ाई की न्यूज आ गई, एक्चुअली वो फॉलो किया कि जैसे इंडस्ट्री में होता है कि ऐसे करके दो सेलिब्रिटी शादी करते हैं, एक साल के बाद उनकी ऐसे फाइट हो जाती है और ये ब्रेकिंग न्यूज जो है पेपर्स में आती है कि ये हो गया भैया। फिर जो शिवानी का बेहोश होना था उसमें क्या ब्रेकिंग न्यूज थी, या तो उसको कुछ इस तरह से डिजाइन करते कि कुछ लोग उसको और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ करते तो वो बात बनती, तो बीच में शिवानी हंस देती है वॉशरूम में जाके तो समझ में नहीं आता है कि ये चीजें कर क्यों रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है कि बिग बॉस के मेकर्स भी सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि ये घर के अंदर हमने इतना इनोवेटिव टास्क भेजा है और इन्होंने उसकी एकदम से कर दी है, क्या बोलूं आपको, बैंड बजा दी है, ठीक है ना। तो ये होता है। और मैं अब बात करती हूँ 1 by 1 न्यूज जो हुए इसके अंदर, जो भी 10-12 आई थिंक इतने न्यूज तो इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज अपनी तरफ से देने की कोशिश की, जिसमें से मतलब 3 शिवानी ने दी, फिर 2-3 नेहा की थी, फिर शिव की थी, फिर हीना की थी। तो शिवानी की हो गई बेहोश होने वाली, फिर हो गया शिवानी की शादी की न्यूज आरोप के साथ, फिर हो गया शिवानी की लड़ाई की न्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस की न्यूज हो गई, फिर नेहा का भूत वाला न्यूज हो गया जो उसको भूत चढ़ा था, बिग बॉस का भूत आ गया था उसके अंदर और वो बातें करने लग गई थी। शुरुआत तो मुझे बहुत अच्छी लगी उस टास्क की, जिस तरह का गेटअप लेके नेहा बैठी थी मुझे लगा अब मजा आने वाला, अब कुछ होने वाला है, मगर थोड़ी देर बाद वो भी फ्लॉप हो गया, उसमें भी मजा नहीं रहा। उसके बाद वो दिखाना कि ये घुंघरू कौन सी सदी के हैं, ये क्या है, उसमें ऑडियंस को क्या इंटरेस्ट होगा। पुष्कर को देखो पिछले, उसमें आओ को देखो पिछले बिग बॉस सीजन 1 में कैसे उन्होंने फाइट की थी, आओ और शर्मिष्ठा की फाइट इतनी रियल लगी थी कि मजा आ गया था देखने, मगर यहाँ पे शिवानी आरो से फाइट भी करती है मगर वो रियल कहाँ लगती है, वो एकदम से लगता है कि हाँ भैया ये करने के लिए इनको बोला गया इसलिए बेचारे थके मारे कर रहे हैं बिग बॉस का टास्क।
फिर हिना का जो बिकनी वाला था वो थोड़ा सा ग्लैमरस था, वो थोड़ा सा उसको लगा कि मैं एक दो पहले फ्लॉप हो चुकी, अब मुझे ये करना है, और वो जो था वो थोड़ा बहुत था जो ब्रेकिंग समझा जा सकता है, यहाँ ब्रेकिंग न्यूज में ऐसी चीजें आती हैं। और फिर वीना का क्या था, वो क्या था दारू वाला, इधर भागना उधर मस्ती करना, मुझे तो वो लगा कि पता नहीं क्या कुछ अजीब सा लगा मुझे कि ये क्या हो रहा है। और फिर किस भी कर जाना शिव को टास्क के दौरान, फायदा उठा लिया टास्क का। तो ये सारे टोटल जितने भी हुए इसमें, मतलब एक वो अजीब सा वो क्या था, वो शिव का अंडरवेयर छुपा देना फ्रिज में, ये क्या था, ब्रश करना सिंक में, ये क्या ब्रेकिंग न्यूज है, मतलब दिमाग जिस जो है वो बेच ही दिया है घर वालों ने, बहुत अफसोस हुआ। फिर भी मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोगों ने एपिसोड देखा होगा, अगर ध्यान से देखा हो तो कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से ब्रेकिंग न्यूज कौन सी है, आपके हिसाब से कौन सा ऐसा शख्स है जो ब्रेकिंग न्यूज देने में कामयाब हो गया। पहले तो इस टास्क में जो होता है ना कि एक गवाह भी खुद है, मुजरिम भी खुद है और जज भी खुद है, तो वो सब चीजें भी इसमें मिक्स कर दी गई और एकदम कंफ्यूजन वाला टास्क था। तो आप बताइए, आप इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए और बताइए कि आपके हिसाब से ब्रेकिंग न्यूज कौन सी है, क्योंकि जब किशोरी और अभिजीत बिचकुले बैठते हैं ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए, तो वही लोग हैं जो किशोरी जो टास्क भी कर रही है, और एक ही बिचकुले है जो माइक लेके बना हुआ है, वही उनकी आवाज बार बार कानों में पड़ रही है, कुछ कंटेंट नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं कि कोई चेंज हो जाए, पता नहीं क्या था टास्क में। आप बताइए आपको कौन सी न्यूज अच्छी लगी, ब्रेकिंग न्यूज कमेंट कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.